हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्यूटी टिप्स याचिका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बिग थैंक यू सो मच। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 5K कंप्लीट होने वाले हैं। गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट से मेरे 5K कंप्लीट होने वाले हैं। मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 5K होने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं छोटा सा मिनी व्लॉग बनाऊँ 5K कंप्लीट होने की खुशी में और अपनी फैमिली से आपको मिलवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कौन कौन देखना चाहेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं अपने रिव्यू की। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट जो कि न्यू लॉन्च हुआ है 2024 में ही, Lakme Extra Ordinary Airy Material Mousse Foundation, जो कि अभी 2024 में लॉन्च हुआ है। तो गाइस, Lakme के वैसे तो Mousse Foundation जो है मार्केट में और भी अवेलेबल है, दो तरीके के मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इनका थर्ड है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एयरी मेट्रियल मूस फाउंडेशन के नाम से लॉन्च हुआ है। तो गाइस, Lakme की जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट को लेके क्या क्लेम करती है वो मैं आपको बताती हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि वो आपकी स्किन को फेदर लाइट स्किन टोन देगा, कंसील करेगा आपके पोर्स को एंड आपकी स्किन को नेचुरल मैट फिनिश लुक देगा। तो गाइस, 499 रुपीज़ में 20 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। गाइस, बहुत ज़्यादा छोटू सा ये प्रोडक्ट है एंड इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम दी गई है, 12 ग्राम, और प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो छोटी सा ये जार है जो कि आप देख रहे हो, इसके अंदर क्वांटिटी भी बहुत कम है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मैं आगे अभी आपको बताऊँगी। तो गाइस, 499 रुपीज़ में 12 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है। आप जार में देख सकते हो, बहुत कम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसके 4 शेड अवेलेबल है। मेरा जो शेड है, सेकंड शेड है, जो कि बीच हनी का शेड है। तो दोस्तों, मैं आपको ये वाला जो शेड है अप्लाई करके दिखाऊँगी अभी। ये जो बीच हनी शेड है, ये देखने में थोड़ा डार्क लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो आपको ये लाइट टोन दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा ये। मतलब आप इसको कंटेनर में देखोगे तो आपको ये डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये लाइट हो जाता है। और ये लगाने के बाद आपकी स्किन को इवन टोन प्रोवाइड करता है, डार्क स्पॉट्स को भी हाइड करता है और आपकी फेस पर मैट फिनिश लुक देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए समर में ये बेस्ट फाउंडेशन है। मेरी स्किन ऑयली है और मुझे पता है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे ये बेस्ट फाउंडेशन लगा। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर परचेज़ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये समर में। खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये मैटी लुक ज़्यादा देता है, क्योंकि सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए ही बनाया गया है। तो ड्राई स्किन वाले इसको ट्राई ना करें, उनका जो होगा मनी वेस्ट जाएगा, तो सॉरी, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो गाइस, जब मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया था, मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, इसको अप्लाई करने पर ये बहुत ज़्यादा बटरी, बहुत ज़्यादा स्मूथ इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको बहुत ही इजीली ब्लाइंड हो जाता है। आप इसको ब्लेंडर से भी ना करके अपनी फिंगर से ब्लाइंड करोगे तो बहुत ईजीली ब्लाइंड हो जाएगा। आप इसको फिंगर से ही अब अगर ब्लाइंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना, इससे ज़्यादा तो आपके ब्यूटी ब्लेंडर पर चिपक जाएगा तो वो वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है आप इसको इजीली अपने फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई करो और अपनी फिंगर से इसको करो तो बहुत अच्छे से ये ब्लाइंड हो जाएगा बहुत इजीली। गाइस, इस पे कोई इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन नहीं की गई है, इसके अंदर क्या है वो कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो सिलिकॉन टाइप से फील होता है, जैसा मैंने फील किया है, ऐसा ही फील होता है, बहुत ज़्यादा बटरी और ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट ये फाउंडेशन है। तो ऑयली स्किन वाले ज़रूर ट्राई करें और ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और ये आपको फुल डे कवरेज देता है। आप अगर इसको मॉर्निंग में अप्लाई करते हो, आप वर्किंग वूमेन हो या कॉलेज गोइंग लड़की गर्ल हो, तो आप ये मॉर्निंग में अप्लाई करोगे तो आपको इवनिंग तक फुल कवरेज देता है। ये आपके फेस से बिल्कुल भी नहीं हटेगा एंड आपको ब्लैकनेस या डार्कनेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
गाइज मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी है, क्यूट सा गोल जार है बॉल की तरह, आप देख सकते हो बहुत सुंदर पैकेजिंग है एंड बहुत ही क्यूटी क्यूटी सा फील होता है कि क्यूट सी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, अगर आप रखते हो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग भी। गाइज़ ये था मेरा इस लैक्मे के प्रोडक्ट को लेकर छोटू सा रिव्यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर कीजिए ये वीडियो जिन लोगों को ज़रूरी है, जो लोग ढूंढ रहे हैं अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं विद डिस्काउंट। ओके गाइज, तो गाइज अब लेती हूँ मैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।